हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सब दोस्तों को। शुक्रिया आपको इस वीडियो देखने के लिए। और कॉइन स्विच के नए पार्ट में आपका स्वागत है। और जैसा आपको पता है कि कॉइन स्विच का वीडियो मैं तभी बनाता हूँ जब मैं प्लस 40% पे रहूँ या -40% पे। तो चलिए -40% देखते हैं। बट आप सबको पता है कि मार्केट पिछले एक हफ्ते से बहुत ही अच्छा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ में मेरा -40% नहीं है, यानी 673। सी, अगर कई लोग बोलेंगे कि भैया 553 जैसे ये है, आवे है, आवे 53% डाउन है, मैं इस 53 की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने अभी बना लिया है कि 1000 का मैं लाइन पकड़ूंगा और उससे -40°, यानी 600 के अगर नीचे रहेगा, जैसे ये 674 है, अगर ये 674 से नीचे 600 से नीचे रहेगा तो मैं इसमें बाई करूंगा। अगर नहीं होगा तो मैं ऊपर आऊंगा और ऊपर आके देखूंगा कि भाई इसमें +40° वाला कोई है क्या स्टॉक, क्योंकि कॉइन स्विच में ये ऐसे ही सीरीज बना देता है, जो आपका टॉप स्टॉक होता है उनको ऊपर रखता है, तो आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है। तो आप अगर यहाँ पे जाते हैं तो देखिए 1640, यानी मेरा ये +40% बन चुका है। तो अब मैं इसको जाके विड्रॉ कर लूँगा। सबसे अच्छी बात यही है कि मैं इसमें विड्रॉ करता रहूँगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि अब एक नया रूल बनाया है मैंने कि ये आप देखोगे तो पिछले एक दिन में 47% बढ़ा है गाला। इसीलिए आपको मोस्टली सभी कॉइन्स आपको अपने पोर्टफोलियो में धीरे धीरे ऐड करते जाना, क्योंकि कोई ना कोई कॉइन अपना बढ़ता ही है और कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन सा कॉइन कब बढ़ेगा। इसलिए सबसे पहले स्टेबल कॉइन पे पैसा लगाइए, फिर डेफी पे, फिर मेटावर्स पे एज पर टेक्नोलॉजी, और उसके बाद अल्ट कॉइन्स में आप पैसा लगा सकते हैं। तो अगर आप ये देखोगे तो एक वीक में ये 56% ही बढ़ा है, एक महीने में ये -18% है, यानी ये वापस अपने लेवल पर आने की कोशिश करो, और एक साल में ये 22 गुना बढ़ा है। 22 गुना, आप समझ कोशिश करो कि हम लोग किसी भी चीज़ में पैसे डाल दें, हम 22 गुना क्या, हम 2 गुना नहीं कमा सकते एक साल में अगर हम एक नॉर्मल ट्रेडिशन से आते हैं। और कई लोग अभी बोल रहे थे कि गवर्नमेंट ने 30% टैक्स लगा दिया है। सर सोच के देखो ना, आप 30% टैक्स की बात कर रहे हो, अगर चलो 5% भी टैक्स देना पड़े, लेकिन अगर आपका पैसा 8 महीने बाद डबल हो रहा है तो क्या फ़र्क, 8 साल बाद डबल होगा तो आपको क्या फ़ायदा होगा उससे। उससे बेटर है आप 100 रुपये लगाओ, 200 रुपये कमाओ, 30% 100 रुपये में जो प्रॉफिट है, देखिए टैक्स जो गवर्नमेंट लगाया है उसमें आपको 100 रुपये पर लगाया है जो आप प्रॉफिट कमाते हो, यानी अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो, 100 रुपये कमाते हो, आपका टोटल कितना हो गया 200 रुपये, तो आपको जो 100 रुपये एक्स्ट्रा है उस पर 30 रुपीज़ देना है, यानी आपका टोटल प्रॉफिट होगा 70। अगर आप साल में अगर 70% भी कमा लिए तो क्या फ़र्क पड़ता है, टैक्स दे दो ना यार गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट हमारे लिए तो काम कर रही है ना, तो दे देना चाहिए। और शायद हम ईमानदारी से टैक्स दें तो गवर्नमेंट को पता चलेगा कितना रेवेन्यू है, तो उसको लीगल करके प्रॉपर कर दे, आप कमा लो ना। हम लोग यही देखते हैं कि कौन हमसे कितना ले जा रहा है, हम ये क्यों नहीं देखते कि हम कितना कमा सकते हैं इसमें, तो वो सोचो ना, वो पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव देखने की कोशिश करिए, बहुत फ़र्क पड़ेगा। और मैंने तो शुरू कर दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं 30% टैक्स देने में गवर्नमेंट को, अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ। वैसे भी गवर्नमेंट सीधे बोला, अगर आप लॉस में रहते हो तो वो कोई टैक्स नहीं ले रहे हैं, आपने इसमें 1 लाख रुपये लगा दिया, 80,000 है साल के अंत में, फिस्कल ईयर में, वो 1 रुपये आपसे टैक्स नहीं मांगेंगे, 1 रुपये नहीं, तो ठीक है ना, वो आपका रिस्क है, आप अपने हिसाब से लगा रहे हो और वो रिस्क फैक्टर आप जानते हो, इसीलिए आप पैसे लगा रहे हो। और क्रिप्टो में रिस्क फैक्टर है, मैं वही हम लोग यही कहते हैं हमेशा कि आप जो भी पैसा लगाओ आपकी सोच समझ कर, किसी के रिकमेंडेशन पे नहीं। ये जो मैं कर रहा हूँ ये एंटरटेनमेंट पर्पस से ही वीडियो बना रहा हूँ, और मैं अपना पोर्टफोलियो दिखा रहा हूँ कि मैं क्या बाई कर रहा हूँ, क्या खरीद रहा हूँ, क्या सेल कर रहा हूँ। आपको सही लगता है फॉलो करो, नहीं लगता आप अपना दिमाग लगाओ, अपनी चीज़ें लगाओ, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, अपने हिसाब से चलो, ठीक है। तो मैं इसमें सेल कर देता हूँ 25%, जैसे मैंने बोला था 40% अप पे जाएगा, मैं 25% सेल कर दूंगा। तो 25% अभी देख लेते हैं कितना आता है, 407, गुड। तो मैं 25% सेल कर दे रहा हूँ, हो सकता है गाला और बढ़े, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा है सिंपल सा, मैं सुबह उठूँगा या शाम को उठूँगा, गाला आप बेचना चाहो बेच सकते हो, मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। कम्युनिटी भी देखिए वही बोल रही है, गाला के हिसाब से कर सकते हैं, आप बेचना चाहो बेच सकते हैं। तो मेरा अभी 5-6 नए रिकमेंडेशन इस महीने के, मतलब इस वीक के ये रहेंगे कि आप मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मेरे 5 रिकमेंडेशन क्या हैं, तो उनको बाई कर सकते हो। बट यही बोलूंगा कि आपके पैसा है, आप अपने हिसाब से लगाइए। हाँ, ये पूरा वीडियो केवल एंटरटेनमेंट पर्पस से है। तो मेरा पहला रिकमेंडेशन जो रहेगा ट्रॉन रहेगा, ट्रॉन आप ले सकते हो, ट्रॉन एक लॉन्ग टर्म के लिए आप ले सकते हो। खासकर ट्रॉन में सबसे अच्छी बात है कि जब ये डाउन जाता है आप इसको थोड़ा थोड़ा ऐड कर दीजिए, कई प्लेटफॉर्म के मतलब प्लान
मल्टी लेवल मार्केटिंग के जो प्लान रहते हैं वो ट्रॉन पे बेस्ड रहते हैं, तो वो सबसे अच्छी बात होती है कि हमारे लिए वहाँ पे पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी बन जाता है कि हम कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर वो जब लोअर प्राइस आपने खरीदा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वो केवल क्वांटिटी मांगते हैं, यानी 400 ट्रॉन, 300 ट्रॉन, 100 ट्रॉन से आप शुरू कर सकते हो। तो ऐसे प्लान में आप इन्वेस्ट करने के लिए ट्रॉन में ट्रॉन को स्टोर करके आप रख सकते हो एज ए स्टोरेज में, तो सबसे अच्छी बात है। बैट आप ले सकते हो, बैट दूसरा ऑप्शन है, ये लॉन्ग टर्म के लिए कम्युनिटी आज के टाइम पे कॉइन स्विच की आज के टाइम इसको सेल करने की कह रही है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इसको लेके रख लीजिए, 1000 रुपये कर लीजिए, उससे ज़्यादा तो मैं बोलता भी नहीं हूँ आपको। लेकिन आपको पोर्टफोलियो बड़ा करना है तो आपको हर टाइप के कॉइन थोड़े थोड़े लेके रखने पड़ेंगे, लेकिन स्टेबल कॉइन पे जाना सबसे पहले सबसे बेस्ट है, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है। तो मेरा सेकेंड रिकमेंडेशन बैट के बाद इथेरियम है, इथेरियम आप लेके रख लीजिए, बैट के साथ इथेरियम भी लेके रखते हैं तो एक का मान लो नीचे जा रहा था, दूसरा आपको उसको एडजस्ट कर। इथेरियम की सबसे अच्छी बात क्या है ना, इथेरियम और बिटकॉइन की मार्केट कितना भी क्रैश करे, देखिए बढ़ते हैं तो 5-10% के बीच में रेंज में बढ़ते, मार्केट क्रैश करता है तो ये केवल 5-10% में ही क्रैश करेंगे, न कि अल्टकॉइन जैसे ये करीबन 70-80% क्रैश कर जाए, जो कि हार्टबीट ब्रदर की पैसा आपका डूबेगा नहीं। लेकिन अगर आपने पैसा को, हमारा क्या दिक्कत होता है कि जब मार्केट क्रैश होता है तो हमें लगता है यार 50% चला गया है ना, तो बेटर है सेव आवर 50%, तो हम उसको निगेटिव में भी सेल कर देते हैं और वहीं पे हम लोग दूसरों के लिए पैसा बनाते हैं, क्योंकि जैसे आपसे वहाँ पे फायदा हो जाता है, तो सेम है यहाँ पे। और अगर इथेरियम एक मेरा फर्स्ट चॉइस हमेशा रहता है, इथेरियम और बिटकॉइन, उसके बाद अगर आप चाहते हो तो डिसेंट्रलाइज्ड एंड लाइटकॉइन में आप लेके रख सकते हैं और अच्छे पैसा देंगे। लाइटकॉइन भी कई प्लेटफॉर्म पे हमें परचेस करने या उनको ज्वाइन करने में हमें फ़ायदा आता है, तो जैसे मैंने ट्रॉन को बताया, ट्रॉन, लाइटकॉइन, इथेरियम, ये स्टोर करके रखना बहुत ज़रूरी है, खासकर इन फ्यूचर अगर हम किसी चीज़ में करना चाहते हैं, जैसे NFT अगर बाई करना है तो NFT आप इथेरियम से बहुत अच्छे से बाई कर सकते हो। चीज़ें रहती हैं अगर आपने कम पैसे में खरीदा है, क्योंकि वहाँ पे कमीशन बहुत जाता है, लेकिन कम पैसे में खरीदा है तो आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब इट, हर हर महादेव।